थ्योरी कल हमने थ्योरी कर ली थी, आज हम जा रहे हैं इसका कैश फ्लो जो प्रैक्टिकल आ सकता है, प्रैक्टिकल में सिर्फ एडजस्टमेंट आ सकती हैं। तो सबसे पहले हम कर रहे हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट एडजस्टमेंट पहले कर रहे हैं, यहाँ बैलेंस शीट है। अगर बैलेंस शीट में हमारी क्या है 2023-2024 रोज और टैक्स है 1,01,50, प्रोजर टैक्स है 1,01,50,000 है। अगर क्वेश्चन को लिखा नहीं है तो हमें पता है अगर कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो पिछले साल के क्या होता है, पिछले साल का टैक्स पेड हो जाता है और करंट ईयर का ऐड हो जाता है नोट वन में, जिसे बोलते हैं हम यहाँ पे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स ड्यू एंड रिजर्व एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स ड्यू एंड रिजर्व एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स ड्यू एंड रिजर्व एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, ठीक है नोट वन में ऐड हो जाएगा। फिर दूसरा है अगर प्रोविजनल टैक्स की एडजस्टमेंट हो, अगर मान लो भाई यहां पे प्रोविजनल टैक्स है नीचे ना एडजस्टमेंट दे रखी है, नीचे एडजस्टमेंट दे रखी है प्रोविजन टैक्स पेड दे रखा है, प्रोविजन टैक्स पेड दे रखा है 50,000 का। तो हमें अकाउंट बनाना पड़ेगा, पेड या मेड दे रखा होगा तो अकाउंट बनाना पड़ेगा। प्रोविजन टैक्स लायबिलिटी है, क्रेडिट में बढ़ती है, डेबिट में घटती है। यहां आ जाएगा बायोलेंस बीडी, ओपनिंग है 1,00,000, क्लोजिंग है 1,50,000, ओपनिंग है 1,00,000, क्लोजिंग है 1,50,000, ओपनिंग है 1,00,000, क्लोजिंग है 1,50,000। यहाँ प्रोविजन टैक्स पेड दे रखा है, पेड दे रखा है 50,000। यहाँ से बैलेंस आ जाएगा मेड आ जाएगा, यहाँ से बैलेंस आ जाएगा मेड आ जाएगा, ये आ गया मेड आ गया 1,00,000 रुपए। तो आप बता देना भैया मेड जो होता है नोट वन में ऐड हो जाता है और जो पेड जो होता है वो माइनस हो जाता है, ठीक है जी। ऐसे ही अगर हो सकता है क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे एडजस्टमेंट प्रोवाइडेड दे रखो, ये जो होता है ना इसे बोलते हैं प्रोवाइडेड और मेड, इसे बोलते हैं प्रोवाइडेड या मेड। तो हमें याद रखने की बात है ये प्रोवाइडेड मेड नोट वन में ऐड होता है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स ड्यू एंड रिजर्व एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम में ऐड हो जाएगा, और ये पेड है ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आउटफ्लो हो जाएगा। थियर समझ आ गया प्रोविजन टैक्स के एडजस्टमेंट। अगली एडजस्टमेंट फिक्स, ये तो आनी आनी है फिक्स सेटअप रोज, अगली एडजस्टमेंट है मशीनरी की,
पहले नेट अप्रोच करते हैं, ग्रोथ अप्रोच करते हैं। अगर सिर्फ क्वेश्चन मशीनरी दे रखी हो तो हमारी नेट अप्रोच है, नीचे एडजस्टमेंट दे रखी होगी, एक एडजस्टमेंट है मशीन कॉस्टिंग 1 लाख, डेपोजिशन देयर ऑन 20,000, सोल्ड फॉर 50,000, नीचे जाए डिपोजिशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर, डिपोजिशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर 50,000। तो इसके अंदर ये हम नेट अप्रोच लेगी, कैसे चल रहा है नेट अप्रोच है, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर नेट अप्रोच इसलिए है अभी आपका प्रोजर डेफिशन का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस नहीं दे रखा। जहां प्रोजर डेफिशन का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस नहीं दे रखा होगा वहां नेट अप्रोच लगेगी, एक ही अकाउंट बनेगा। तो ओपनिंग मशीनरी 1 लाख, क्लोजिंग मशीनरी 1.5 लाख, एक मशीनरी जिसकी कॉस्ट है 1 लाख, जिस पर डेप्रिसिएशन लगी हुई थी 20,000, यानी अभी तक डेप्रिसिएशन की 20,000 से भेज दिया 50,000 में। एक मशीनरी जिसकी कॉस्ट है 1 लाख, जिस पर डेप्रिसिएशन कितनी लगी हुई है 20,000, 1 लाख में से 20,000 का कितना रह गया 80,000, रिटर्न डाउन वैल्यू यानी 80,000 की चीज़ हमने भेज दी 50,000 में, लॉस कितने हो गया 30,000 का। सेल कर दी भाई 50 की, लॉस हो गया 30 का। यहां पे आ जाएगा करंट ईयर की डेपोजिशन, यहां से बैलेंस निकाल दो परचेज ऑफ मशीनरी, यहां से आ जाएगा वो चुप परचेज ऑफ मशीनरी कितनी आ गई, सानवी भी वहीं पे है वहां पे, अब कह रहे गुरुकुल में सर मुझे नहीं पता, सानवी नहीं मिलती नहीं। और कौन है यहाँ पे कह रहे हो गुरुकुल पे आपके साथ? सर मेरे को तो मतलब कोई नहीं मिला। हाँ जी, कैश फ्लो इन्वेस्टिबिलिटी, अगर आपसे पूछा जाए कैश फ्लो इन्वेस्टिबिलिटी क्या है, तो ये परचेज ऑफ मशीनरी कैश जा रहा है, परचेज ऑफ मशीनरी इन्वेस्टिबिलिटी कैश जा रहा है, सेल ऑफ मशीनरी 50,000 कैश आ रहा है, नेट हो गया 80,000 आउटफ्लो, नेट हो जाएगा 80,000 का आउटफ्लो। ठीक है जी, ठीक है, ये हमारी नेट अप्रोच थी। अब आ जाओ ग्रॉस अप्रोच पे, होया ना नोट? अगला देखो जी,
मशीन है, एक्युमुलेटेड डेपोजिशन है, मशीन कॉस्टिंग 1 लाख, अ न्यू मशीनरी कॉस्टिंग 2 लाख। परचेज कैसे परचेज किया? 1 लाख इन कैश, 115 कैश एंड बैलेंस शेयर्स, 115 कैश एंड बैलेंस इक्विटी शेयर्स। हमने बैलेंस इक्विटी शेयर खरीदे हैं, शेयर इशू किए हैं, इक्विटी शेयर रुपीज 50,000। हमने ये वाली मशीन खरीदी है, 1 लाख 2 लाख की मशीन खरीदी, 1,50,000 कैश, बैलेंस इक्विटी शेयर हो 50,000। अ मशीन सोल्ड, अ मशीन सोल्ड कॉस्टिंग 1 लाख, एक मशीनरी भेज दी बच्चों 1 लाख की, जिसकी कॉस्ट थी 1 लाख, सोल्ड फॉर 20,000। ठीक है, कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। यहाँ वर्किंग ऑर्डर बनाइए, मशीन अकाउंट और एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। देखो जो मशीनरी का ओपनिंग बैलेंस है 5 लाख, क्लोजिंग बैलेंस है 6 लाख। मशीनरी का ओपनिंग बैलेंस है 5 लाख, क्लोजिंग बैलेंस है 6 लाख। एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन ओपनिंग है 1 लाख, क्लोजिंग है 1.5 लाख। एक मशीनरी जिसकी कॉस्ट है 2 लाख, एक मशीनरी जिसकी कॉस्ट है 2 लाख हमने खरीदी है। ठीक है भाई, हमने एक मशीनरी खरीदी है 2 लाख की, तो यहाँ पे उसमें से वो कह रहा है कि ना हमने पेमेंट किया 150 की तो कैश में, 150 की तो कैश में, और बाकी शेयर्स इशू किए हैं 50,000 के। ठीक है, अब यहाँ से जो हम बैलेंस निकालोगे वो क्या निकलेगी? एक काम करें मुझे, इसको ना चेंज कर देना, इसको ना 3 लाख, एक इसको 2 लाख कर देना, इसको 2 लाख कर देना। ठीक है, हमने ना क्या किया, एक मशीनरी बेची भी है, हमने एक मशीनरी बेची है जिसकी कॉस्ट 2 लाख, 5 तो 7, 1 लाख ही रहने दो, सॉरी 1 लाख था ना, मैंने 1 लाख बोला था, 1 लाख ही रहने दो, हाँ 1 लाख ही रहने दो। हमने एक मशीन बेच दी भी है, कितने बेची, कॉस्टिंग 1 लाख है, इसमें और इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी, याद रख देना भाई। डेप्रिसिएशन एक मशीनरी है जिसकी कॉस्ट है 1 लाख, डेप्रिसिएशन देर ऑन 50,000, सोल्ड फॉर 20,000, तो डेप्रिसिएशन जो 50,000 की है उधर ट्रांसफर कर दो,
डिविजन जो 50,000 की उधर ट्रांसफर कर देंगे हम, यहाँ आ जाएगा बाय मेरी डिविजन 50,000 इधर ट्रांसफर कर दो। 1,00,000 की चीज़ है, डिविजन लगी हुई है 50,000, उस पर रह गया 50,000 की चीज़ कितने बेची हमने 20 में, कितने का लॉस हो गया 30 का, ठीक है जी। यहां से बैलेंस शीट क्या आ जाएगा, करंट ईयर की डिपोजिशन, यहां से बैलेंस आ जाएगा करंट ईयर की डिपोजिशन। अब अगर हमसे पूछा जाए कैश फ्लो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी क्या है, जो मशीनरी जाए खरीदी है 2,00,000 की, लेकिन हमें देखना होता है आउटफ्लो कितना हुआ। ये मैंने देखा कि अभी सीयूटी के में आ भी रखे है क्वेश्चन, पेपर में आ भी रखा है ये वाला क्वेश्चन। तो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी परचेजों मशीनरी से कैश जाता है, परचेजों मशीनरी से कैश जाता है 1,50,000 रुपए। वो जो शेयर इशू किया ना वो नो फ्लो ऑफ कैश है, शेयर इशू किया उसे नो फ्लो ऑफ कैश हुआ, वो कैश फ्लो स्टेटमेंट में नहीं आने वाला, ठीक है जी। तो जो शेयर इशू कर रहे हैं वो नो फ्लो ऑफ कैश है, वो कैश फ्लो स्टेटमेंट में नहीं आएगा। ऐसे सेलो मशीनरी, सेलो मशीनरी 20,000 रुपये है, 1,30,000, ठीक है जी। तो मेन ये था कि भाई इसे नो फ्लो कैश हुआ है, कैश फ्लो में नहीं आने वाला है 50,000, तो मेन आपका 1,30,000 होगा। ऐसे कुछ आया भी रखे हैं एमसीक्यूज में, ठीक है भाई। आगे भी समझ आगे चलूं, हो गया भी नोट? तो ये मैंने आपको नेट अप्रोच करा दी, ग्रॉस अप्रोच करा दी, प्रोजन टैक्स करा दिया, इरेज कर रहा हूँ जी मैं। फिर जो ये वाली जिसमें एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी तो करनी करनी है, तो ये एडजस्टमेंट बैंक लोन की है 2023-2024, बैंक लोन 1,00,000 और 1,50,000, नीचे आ जाएगा, नीचे एडजस्टमेंट दे रखा है, बैंक लोन रीपेड, तो जो ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है, जो एनसीईआरटी तो आपको करनी है, नहीं इंपॉर्टेंट है, बैंक लोन लाइबिलिटी या लाइबिलिटी क्रेडिट से बढ़ती है, डेबिट से घटती है। तो ओपनिंग लोन है 1,00,000 का, क्लोजिंग लोन है 1,50,000 का, ओपनिंग लोन है 1,00,000 का, क्लोजिंग है 1,50,000 का, लोन क्रेडिट से बढ़ता है, डेबिट से घटता है। तो आपको सबसे पहले दे रखा है जो बैंक लोन रीपे कर दिया 50,000 का, अगर हम बैंक लोन रीपे कर देंगे 50,000 का तो यहाँ से आ जाएगा रेजिंग ऑफ लोन आ जाएगा। ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है, जो तो कितना आ गया 2,00,000, 2,00,000 में से 1,00,000 गए, ये आ गया रेजिंग ऑफ लोन 1,00,000, यहाँ से बैलेंस आ जाएगा रेजिंग ऑफ लोन 1,00,000।
रेजिंग और लोन कितना आ जाएगा? 2 लाख में 1 लाख का 1 लाख। रेजिंग और लोन इज फाइनेंसिंग एक्टिविटी, पैसा आएगा। रेजिंग और लोन इज अ फाइनेंस एक्टिविटी, पैसा आएगा। रीपेमेंट ऑफ लोन इज अ फाइनेंस एक्टिविटी, पैसा जाएगा। रेजिंग और लोन से पैसा आता है, रीपेमेंट लोन से पैसा जाता है, नेट आंसर आ जाएगा 50,000 रुपये का। ठीक है जी, नेक्स्ट है ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी का देख रहे हैं। ये भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी का था। ये देखो बैलेंस शीट है, 2023-2024 छे अप्रैल 1 लाख से 1.5 लाख, 1 लाख से 3 लाख कर लेना, 1 लाख से 3 लाख। डिबेंचर्स 3 लाख से 2 लाख, बैंक ओवरड्राफ्ट 5% प्रीमियम, डिबेंचर डी मैट 5% प्रीमियम, डिबेंचर डीम ऑन 5% प्रीमियम ऑन 1 जुलाई 2023। प्रपोज्ड इवेंट 2023-2024, प्रपोज्ड इवेंट 2023-2024। इधर 1 लाख है, इधर 1.5 लाख है। फिर इंटरिम इवेंट भी लिख देना भैया, इंटरिम इवेंट है 50,000 और 60,000। कैलकुलेट कैश फ्लो फाइनेंस एक्टिविटी, कैलकुलेट कैश फ्लो फाइनेंस एक्टिविटी।
कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंस इक्विटी कैसे करेंगे जी भाई आपके ना एक और पॉइंट ऐड करना है इसके अंदर कंपनी इशू बोनस शेयर्स फॉर वन शेयर हेल्ड या वन शेयर फॉर टू शेयर हेल्ड कंपनी ने बोनस इशू किया वन शेयर और टू शेयर हेल्ड हमें फाइनेंस इक्विटी निकालनी है तो देखो जो सबसे पहले ये वाली एडिशनल इंफॉर्मेशन ले लेते हैं डिबेंचर रिडीम करे 500 प्रीमियम पे 1 जुलाई को रिडम्पशन डिबेंचर्स कितने 3 से 2 हो गया 1 लाख और प्री रिडम्पशन कितना है 5% 1 लाख का 5% 5,000 जितना रिडम्पशन हो रही है उसका 5% 1 लाख 5% 5,000 उसके बाद डिवेंचर का जो इंटरेस्ट है वो कैसे कैलकुलेट होगा आपके पहले स्टार्टिंग में डिवेंचर थे 3 लाख के 1 जुलाई को डिवेंचर कितने के हो गए 1 जुलाई को डिवेंचर डीम हो गए 1 लाख रुपए के कितना आ गया 2 लाख आ गया तो इंटरेस्ट कैलकुलेट करो 3 लाख का 10% 6 अप्रैल मई जून 3 महीने उसके बाद 2 लाख का 10% 9 महीने करना भाई इंटरेस्ट कितना हो गया इधर और ये आ गया 15,000 टोटल आ गया 22,500 पेमेंट और इंटरेस्ट फाइनेंसिंग एक्टिविटी ठीक है जी उसके बाद है भैया अगले एडजस्टमेंट देखो प्रपोज इवेंट कौन सा इग्नोर करना होता है प्रपोज इवेंट करंट ईयर का इग्नोर प्रीवियस ईयर का लो पेमेंट और डिविडेंड 1 लाख इंटरमीडिएट कौन सा लेना है करंट ईयर का लेना है